कांची सिंह नहीं बल्कि निभाएंगी गयू का रोल देबलीना चटर्जी। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए आपको बताते हैं। स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आ रहा है एक नया एक्साइटिंग टर्न, जहां पर शो के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो गयू का रोल फिर से शो में लाने वाले हैं, जिसे पहले कांची सिंह ने निभाया था। लेटेस्ट प्रोमो को देखकर ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह से तीनों फैमिलीज अब एक साथ आ गई हैं और इस मौके को एंजॉय कर रही हैं, जहां पर गायत्री आकर गयू की एंट्री फिर से दर्शकों को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बनाने वाली है। लेकिन हम आपको बता दें कि फिर से गयू की एंट्री नायर और कार्तिक के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लाती हुई नजर आएंगी। अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो गयू का रोल पहले दिखाया गया था, जिसे कांची सिंह ने प्ले किया था, और कांची इस रोल में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव नजर आई थी, जहाँ पर उन्हें कार्तिक से प्यार होता है लेकिन अपनी बहन नायरा के लिए वो अपने प्यार को कुर्बान कर देती है। जहाँ पर रिपोर्ट्स आई थी कि कांची सिंह फिर से शो में रिज्यूम करते हुए नजर आएंगे अपने रोल को, लेकिन कांची सिंह ने अपने जवाब से ये साफ जाहिर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कांची ने जवाब देते हुए कहा कि नो, आई एम नॉट एट ऑल एंटरिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है। आई हैव हैप्पीली मूव्ड ऑन फ्रॉम द शो एंड हैव नथिंग टू डू विद द मेकर्स। आई नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग बैक। कांची सिंह ने अपने दिए गए इंटरव्यू में साफ साफ जाहिर कर दिया है कि उन्हें अब ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं जानने से लगता है डर, और वो नहीं रिज्यूम करना चाहती है अपने इस रोल को। लेकिन अब इस कैरेक्टर की बात की जाए तो इसे प्ले करने के ख्याल में है देबलीना चटर्जी, जिन्हें लास्ट टाइम देखा गया था संकट मोचन महाबली हनुमान में। हालांकि इससे पहले भी देबलीना को सजदा तेरे प्यार में, बालिका वधु और ससुराल सिमर कर जैसे कई शोज में देखा जा चुका है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो गयू का शो इस बार और भी ज्यादा बोल्ड और एटीट्यूड से भरा होगा, जहां पर ये रोल काफी ज्यादा नेगेटिव शेड में आएगा नजर। गयू की री एंट्री और भी ज्यादा नए ट्विस्ट लाएगी शो में, जहां पर कार्तिक और नायरा की रिलेशनशिप पे काले बादल छाते हुए नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है अब तक का सबसे लंबा चलने वाला शो रहा है। वेल, आपका क्या कहना है गयू की री एंट्री और कांची सिंह के इस कमेंट पर हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं, और ऐसे ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।